ये गोरखपुर नाम का गांव है। इस गांव में एक बड़ा जिम हुआ करता था। वहाँ एक आदमी, अब्बा मैंने 100 पुलअप्स कर लिए, कल किसी भी तरह रिकॉर्ड बना लूंगा। मैंने भी आज 100 सिटअप्स किए, बहुत थक गया हूँ, जांघों में दर्द हो रहा है भाई। ठीक है चलो, अपने ढाबे पर जाकर अंडा सब्जी खाते ही सारी थकावट चली जाएगी। इस तरह पहलवान ढाबा पहुँचे। अरे छोटू, 3 प्लेट अंडा सब्जी और 20 रोटियां लेकर आना, कहा। अंडा सब्जी खाते ही एक पहलवान, सुपर राजेश भैया, वाह क्या बढ़िया अंडा सब्जी बनाई है। इस तरह कई लोग उस ढाबे पर अंडा सब्जी खाने आते थे। उस रात ढाबे का मालिक सबको थंका दे रहा था। अरे राजेश, तुम्हारे हाथ में तो जादू है, तुम्हारे हाथ का बनाया अंडा करी के स्वाद से इस गांव के लोग तो फिदा हो गए। इस महीने से मैं तुम्हारा टंका बढ़ा रहा हूँ। ढाबे का मालिक दूसरा खाना बनाने वाले से, अरे किशन, तुम्हें यहाँ काम करते हुए इतना समय हो गया है, देखो तुम्हारे बाद आए राजेश को अंडा करी कितने अच्छे से बना रहा है, तुम भी कुछ स्पेशल बनाओ भाई, कहकर उसे तंखवा दिया। किशन तंखवा लेकर, ये ढाबे का मालिक लगता है पगला गया है, सबके सामने मेरी ही बेइज्जती कर रहा है। मैं यहाँ सबका सीनियर हूँ और ये बिना सोचे मुझे ही डांटेगा, और वो राजेश आज कल में ही आकर मुझी से सीखकर अब कुछ अच्छा बना रहा है, तो अब हम दिखाई नहीं दे रहे, इन्हें सबक सिखाना ही होगा। सोचकर जब अगले दिन राजेश अंडा करी बना रहा था तो चुपचाप बिना किसी के जाने उसमें रंग मिला दिया। रोज की तरह जब पहलवान आकर अंडा करी ऑर्डर किए तो राजेश उन्हें सब्जी दिया। एक पहलवान सब्जी खाते ही, छी छी थू थू, ये क्या है राजेश, इतना घटिया सब्जी, छी सड़े होने की बदबू आ रही है, या कहकर वहाँ से चले गए। ये सब देख रहे ढाबे का मालिक और उसका बेटा नवीन राजेश के पास आकर, राजेश सच में अंडा करी बहुत घटिया बनी है, ऐसे क्यों किया? मैंने जब करी बनाया था तो वो ठीक ही था, लेकिन पता नहीं बीच में क्या हो गया। डैडी, मैं जैसे कहता हूँ वैसे करे, कहकर एक उपाय दिया। अगले दिन ढाबे का मालिक सबको बुलाकर, देखिए हमारे गांव में एक मेला लगने वाला है, उसके लिए अंडा सब्जी का बड़ा ऑर्डर मिला है, इसलिए आप सब अलग अलग से अंडा करी बनाए तो वहाँ हम अपने स्टॉल्स में लगा सकते हैं, कहकर सबको एक एक ट्रे में अंडे दिए। ये बातें सुनकर किशन, यही सही समय है, इस राजेश की बेइज्जती सबके सामने करने पर इसे समझ आएगा। सोचकर जब राजेश नहीं था तो फिर से चुपचाप रंग मिला दिया। उस रात ढाबे के मालिक का बेटा सबकी ट्रे का जांच किया, वहाँ किशन के ट्रे में रखे अंडों पर रंग लगा था। तुरंत ढाबे का मालिक किशन को बुलवाकर, क्यों बे, तुम पर इतना विश्वास किया, ऐसे कैसे कर सकते हो, अगर मेले में ये हो जाता तो कितना नुकसान होता, कहकर उसे काम से निकाल दिया। रोज की तरह उस शाम पहलवान आकर अंडा करी ऑर्डर किए, उसे खाकर एक पहलवान, अब्बा राजेश मस्त बनाया अंडा करी, कहकर फिर से राजेश की प्रशंसा की। कई साल पहले एक गांव में जमींदार रहता था, उसका नाम रणबीर सिंह था, उसके पोते का नाम बलबीर सिंह था। बचपन में ही उसके माता पिता गुजर गए थे तो उसके दादा ने उसे बहुत लाड प्यार से पाला था, इसकी वजह से वो बुक्कड़ और आलसी बन गया था। सुबह उठते ही टेबल पर रखे सारे आहार को खा लेता था, फिर खर्राटे मारते हुए सो जाता था। ऐसे वो बहुत मोटा होने लगा। स्कूल से लौटते वक्त सारे बच्चे उसे मोटू 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 कहकर छेड़ते थे। वो बड़ा भी ऐसे ही हुआ, कहीं भी जाने के लिए पैदल नहीं चलता था, स्कूटर पर ही जाता था। और तो और घर पर भी स्कूटर में ही घूमता था। एक दिन रणबीर सिंह, बेटा खुद को देखा है कितने मोटे होते जा रहे हो, थोड़ा सा खाना कम करके कसरत कर लिया करो। बलबीर, अरे दादा बिना खाना कम किया और कसरत बिना किए कोई उपाय है तो बताओ, वरना रहने दो। गुस्से से रणबीर, तुम्हें कहने का कोई फायदा नहीं है, अगर 30 दिन में तुमने वजन कम नहीं किया तो पूरा जायदाद में अनाथ आश्रम को दान में दे दूंगा, सोच लो। डरकर बलबीर, अरे अरे ऐसे ना करना दादा,
30 दिन में क्या, मैं 15 दिन में वजन कम करके दिखाऊंगा, ये मेरा चैलेंज है। फिर स्कूटर पर जाते हुए, मैं वजन कम कैसे करूंगा, सोचने लगा। इतने में एक बहुत पतला आदमी उसके सामने आया। अरे भाई, देखने में तुम माचिस की तिल्ली दिखते हो, पतला होने का कोई उपाय है तो बताओ। मैं भी आपकी तरह मोटा था, पर मैंने चावल खाना बंद कर दिया तो एक हफ्ते में पतला हो गया। आप ही चावल खाना छोड़ दो, पतले हो जाओगे, कहकर चला गया। बाप रे, बिना चावल एक हफ्ते मुझसे नहीं होगा, पर चावल के बदले कुछ और खाऊंगा तो चलेगा ना। स्कूटर पर एक केले के खेत पर पहुंचा, एक गुच्छे को काटकर सारे केले खा लिए। एक हफ्ते के बाद शीशे में देखते हुए, ये क्या, मैंने चावल खाना छोड़ दिया फिर भी एक इंच कम नहीं हुआ, लगता है वो कोई बेवकूफ था जो मुझे झूठ बोलकर चला गया। अगले दिन आश्रम में एक स्वामी जी से मिला। स्वामी, मैं आपके आगे हाथ जोड़ता हूँ, बिना खाना कम किए और बिना कसरत किए कोई मंत्र से मेरा वजन कम कर दीजिए ना। स्वामी, बेटा, खाया हुआ भोजन बिना कसरत के मोटापे में बदलता है, इसीलिए तुम्हारा वजन बढ़ रहा है। मोटापा कम करने के लिए मेरे पास कोई मंत्र तो नहीं, पर एक उपाय है। ये देखो, इस डब्बे में रखे राई को जमीन पर फेंक कर इन्हें उठाकर फिर डब्बे में रखना है। ये दिन में 3 बार करोगे तो तुम पतले हो जाओगे। क्या स्वामी, ऐसे ट्रिक्स मैंने बहुत देखे हैं। राई को उठाकर डिब्बे में डालना है, पेड़ पर चढ़कर फल तोड़ना है, ये सब कसरत नहीं है तो और क्या है। मैं भी बेवकूफ था जो आपसे पूछने चला आया। फिर गांव में एक डॉक्टर से मिला। डॉक्टर को अपने मोटापा कम करने की बात कहकर अपने सारे कंडीशंस भी बताए। तब डॉक्टर, ये तो बहुत छोटी सी बात है, अगर तुम मेरा कहना मानोगे तो चुटकियों में तुम पतले हो जाओगे। बलबीर, आप जो कहोगे मैं करूंगा डॉक्टर, पर मेरे कंडीशंस तो याद है ना। डॉक्टर, हाँ हाँ, याद है याद है, खाना नहीं छोड़ना है, कसरत नहीं करना है, यही ना। पर तुम्हें घर पर ही खाना होगा, पतले होने के बाद आकर मुझसे मिलो। थोड़े दिनों बाद बलबीर फिर डॉक्टर के पास आया। बलबीर, कैसे डॉक्टर हैं आप, आपने जैसा कहा वैसा ही किया, पर 1 ग्राम भी कम नहीं हुआ। डॉक्टर, ऐसे कैसे, हैरानी की बात है, बाहर का खाना छोड़ने के लिए कहा था ना, छोड़ा क्या। बलबीर, बाहर का खाना छोड़ने कब कहा, घर पर ही खाने को कहा था ना, इसीलिए 3 बार होटल में ना खाकर घर पर ही मटन करी और बिरयानी खाता था, फिर भी वजन कम नहीं हुआ, अब क्या करूं। हाय रे, ये क्या, मैं पागल हो जाऊंगा, अरे मुझे कोई दवाई दो, अरे मुझे कोई इंजेक्शन दो। ये सुनकर डॉक्टर के कानों में से आग और धुआं आने लगा, फिर वो उठकर पागलों जैसे नाचने लगा, बेचारा बेहोश हो गया। बलबीर, ये कैसा डॉक्टर है, मुझे पतला होने के लिए कोई उपाय नहीं दे रहा है, मुझे अब दूसरे डॉक्टर से मिलना होगा, सोचकर वहां से चला गया।